हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, है ना। और हम लोगों ने ऑपरेशंस वगैरह भी देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे ऑपरेशंस वगैरह होता है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.1 शायद आपको करने के लिए दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक, है ना। तो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 1 to 7 में किसी को डाउट है एक्सरसाइज 5.1 में? ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आप जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है एक, मैं इस टाइप से नंबर ले लेता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आयोटा क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन होता है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि आयोटा क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन होता है। तो कहीं भी आपको रूट ओवर माइनस वन का टर्म दिखे तो उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, आई से रिप्लेस करना है कि नहीं। जैसे अगर मुझे किसी ने ये लिख के दिया रूट ओवर माइनस थ्री, है ना, रूट ओवर माइनस थ्री, तो रूट ओवर माइनस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, रूट ओवर इसको माइनस थ्री को मैं माइनस वन इंटू थ्री भी लिख सकता हूँ, है ना। और यहां से मैं अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये माइनस वन रूट के अंदर में देखो माइनस वन आ गया, और रूट थ्री को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई के इक्वल, है ना। तो कहीं भी अगर आपको माइनस रूट थ्री टाइप का कोई टर्म दिखे तो आप इसको क्या लिखोगे, आई रूट थ्री। क्लियर है? वैसे ही अगर कहीं पे आपको माइनस फोर दिखे अंदर में, है ना, तो माइनस फोर देखेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, माइनस वन माइनस फोर, है ना। और इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस वन इंटू रूट ओवर माइनस रूट ओवर फोर, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई, और रूट ओवर फोर कितना होता है, टू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2i। समझ में आ रहा सबको, है ना। तो इस टाइप से कहीं भी आपको रूट का टर्म दिखे तो हमें इस तरीके से इसको प्रोसीड करना, और इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। ठीक है, आपको जैसे देखो मैं एक चीज आपको यहां पे बता रहा हूं, तो देखो अगर मैं ये लिखता हूं, देखो रूट ओवर फोर आपको पता है ना, रूट ओवर फोर की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको। अब देखो फोर को मैं, या फोर नहीं लेते हैं, मैं कुछ और नंबर एक ले लेता हूं, ठीक है, कुछ और एक नंबर में ले लेता हूं, या फोर से ही काम करते हैं, चलो। ठीक है, जैसे फोर है और या फोर का अंडर रूट क्या होता है, टू। ठीक है, तो देखो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टू है, टू को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर फोर भी लिख सकता हूं। क्लियर है? रूट ओवर फोर को मैं क्या लिख सकता हूं, टू इंटू टू भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? रूट ओवर टू इंटू टू को देखो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, माइनस टू इंटू माइनस टू लिखा जा सकता है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी कितना रहेगा, फोर ही रहेगा, और यहां से जब आप अलग करोगे तो कितना होगा, माइनस रूट टू इंटू माइनस रूट टू। क्लियर है? और यहां से जब इसको लिखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन का रूट टू इंटू रूट टू, याद है। और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू रूट टू, है ना। इसको कंबाइन करोगे आप तो ये कितना हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, आई आई रूट टू इंटू आई रूट टू, है ना। ये कितना हो गया, आई स्क्वायर इंटू रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना दे देगा, टू, और आई का स्क्वायर कितना दे देता है, माइनस वन, दिख रहा है। तो माइनस वन इंटू टू, और देखो कहां पे पहुंच गए, माइनस टू पे, दिख रहा है। तो यहां पे देखो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने 2 से स्टार्ट किया था, और हम फाइनली कहां तक पहुंचे, माइनस टू तक। तो क्या ये सही है ना। देखो सारा प्रोसेस मैंने सही तरीके से क्या लिख के आपको दिखाया, कहां पे क्या लिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये बताओ कि क्या ये 2 इक्वल टू माइनस टू होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हमने कहीं पे बीच में गलती किया हुआ है ना। तो कहां पे गलती किया हुआ है, देखो किस वाले पार्ट में हमने गलती किया, यहां पे कि 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए था जबकि 2 इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है ना। तो गलती कहां पे हुआ है, गलती मेरा कहां पे हुआ है, इस वाले पार्ट पे हुआ है,
ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट पे हमारा गलती हुआ है, ये जो हमारा स्टेप्स है ना, इस स्टेप में हमारा गलती हुआ है ना। तो जब हम ब्रैकेट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, है ना, जब हम ब्रैकेट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, या अगर अभी तक आपने पढ़ा था कि रूट ओवर अगर ए बी दिया रहता है तो इसको आप क्या लिखते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिखते हैं, है कि नहीं, याद होगा, रूट ए इंटू रूट बी हम लिखते हैं। लेकिन ये चीज क्या होता है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है ना। ये चीज कब ट्रू होगा, ये चीज कब ट्रू होगा, है ना, दिस इज ट्रू लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, दिस इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। तो ये आप कब लिख पाओगे, ये हम कब लिख सकते हैं, ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब आपका ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, तभी आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। इसी में ये लिख लो, रूट ओवर ए बी नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, ये कब नहीं होता है, है ना, दिस इज, है ना, दिस इज फॉल्स व्हेन, फॉल्स व्हेन बोथ, है ना, बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, ठीक है। तो अगर रूट ओवर ए और बी दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, यानी आप रूट ओवर ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी हम इसको नहीं लिख पाएंगे, है ना, ये चीज हमें नहीं लिखना है। कब नहीं लिखना है, जब दोनों नेगेटिव हो, है ना। तो यहां पे देखो जो हमने किया था ऊपर वाले में, ऊपर वाले पार्ट में देखो, ये दोनों नेगेटिव था तो मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल नहीं है, ये चीज हमने गलत किया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आया था, गलत आया था, क्लियर है। तो ये चीज वैलिड होता है ना, ये चीज ध्यान रखना कि ये आपका वैलिड होता है जबकि ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको वैलिड करना है तो दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव आपको रखना पड़ेगा, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि इसको हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो लिख लो आइडेंटिटीज, ये आप ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हो रियल नंबर के केस में, है ना, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, सेम उसी टाइप का फॉर्मूला आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी वैलिड होता है ना। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया जेड वन और जेड टू, ठीक है, तो अगर आप जेड वन और जेड टू का स्क्वायर करोगे तो जेड वन और जेड टू का स्क्वायर क्या होगा, तो जेड वन और जेड टू का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, तो देखो जेड वन जेड टू के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जेड वन प्लस जेड टू को दो बार मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, और आपको मल्टीप्लीकेशन तो पता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, है ना। तो सिंपल जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सेम उसी टाइप का फॉर्मूला आता है, यहां पे क्या लिखेंगे, जेड वन स्क्वायर प्लस टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू स्क्वायर, क्लियर है, जेड वन जेड टू। वैसे ही आप जेड वन माइनस जेड टू का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, तो ये सब फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप ये इजिली लिख पाओगे, कितना हो जाएगा, जेड वन स्क्वायर माइनस टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू स्क्वायर, है ना, याद होगा आपका फॉर्मूला ये सब, ये सब बेसिक आइडेंटिटी हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। वैसे ही अगर जेड वन प्लस जेड टू का आपको क्यूब निकालने के लिए दिया जाता है तो क्यूब का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, याद है फॉर्मूला किसी को, जेड वन क्यूब प्लस थ्री जेड वन स्क्वायर इंटू जेड टू प्लस थ्री जेड वन इंटू जेड टू स्क्वायर प्लस जेड टू क्यूब, ठीक है। वैसे ही जेड वन माइनस जेड टू का
क्यूब भी होता है, तो जेड वन माइनस जेड टू का क्यूब क्या होगा, जेड वन क्यूब माइनस थ्री जेड वन स्क्वायर जेड टू प्लस थ्री जेड वन इंटू जेड टू स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में क्या करो, जेड टू के जगह पे माइनस जेड टू पुट कर दो, है ना, तो सिंपली आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो जिसको याद नहीं है, है ना, ये सब आपने टेंथ में किया होगा ए और बी के टर्म में। हम यही सब कुछ यहाँ पे किसके टर्म्स में कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में, ठीक है। तो सेम टाइप का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। वैसे ही एक और टाइप का आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा था, जेड वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है। तो जेड वन के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू। वैसे ही आपके पास एक और टाइप का फॉर्मूला था, जेड वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लेते हैं पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, तो ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू इंटू ए स्क्वायर जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू इंटू जेड टू का स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट जेड वन क्यूब माइनस जेड टू क्यूब, इसको आप क्या लिखेंगे, जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस होता है, ये माइनस कर लेना, जेड वन जेड टू प्लस जेड टू स्क्वायर, ठीक है। इसमें सब में प्लस होता है, ऊपर वाले में एक माइनस होता है, ठीक है। तो ये सब छह सात फॉर्मूला आपने ऑलरेडी रियल नंबर के केस में आपने किया होगा, कहां पे, टेंथ क्लास में ये सब फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो वहां पे हम लोग सब कुछ किसके टर्म्स में लिख रहे थे, ए और बी के टर्म्स में लिख रहे थे, है ना। यहाँ पे हम उसी चीज को किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सबको जेड वन और जेड टू के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे ही हमें, अगर कोई हमें जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई हमें ये फॉर्मूला क्वेश्चन देता है ना, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, मान लो टू प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर निकालने के लिए देता है ना, तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, है ना। और ए और बी मान के आप इसको सिंपली कर सकते हो, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर, इसको इस पूरे को मैं बी मान रहा हूं, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री आई का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये थ्री आई पूरे वाले टर्म को आपको बी एज्यूम करना है, ठीक है। और अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस ये कितना हो जाएगा, थ्री स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस नाइन, दिख रहा है, प्लस ये कितना हो जाएगा, फोर इंटू ट्वेल्व आई, और इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये ट्वेल्व आई है, हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में ही लिखना है हमेशा, है ना। तो किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर दे, हमेशा आपको क्या करो, उसको आप a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, क्लियर है। जैसे अगर क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है, एक्सप्रेस लिख लो, एक्सप्रेस माइनस रूट थ्री प्लस रूट ओवर माइनस टू, ठीक है, इंटू टू रूट थ्री माइनस आई, है ना। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, क्लियर है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले आप इसको सही तरीके से लिख लो। तो यहां पे देखो ये माइनस रूट थ्री है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो माइनस रूट, माइनस टू जो है वो रूट के अंदर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू टू, है ना, जस्ट अभी आपको ऊपर में बताया था। और इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस वन का रूट टू इंटू रूट टू, है ना, और ये कितना हो जाएगा आई, और ये कितना हो जाएगा रूट टू। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, रूट टू आई लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा,
प्लस रूट टू आई, क्लियर है। और इस तरफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट टू टू रूट थ्री माइनस आई, है ना। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, जैसे आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा, माइनस टाइम्स देखो थ्री इंटू टू सिक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, प्लस रूट थ्री आई, है ना। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा, टू रूट सिक्स इंटू आई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, देखो आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर देगा, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस को और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहां पे मैं प्लस लिख रहा हूं, और प्लस कितना हो जाएगा, रूट टू। फिर आप क्या करो, रियल पार्ट को एक साथ कंबाइन कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कंबाइन कर लो, तो रियल पार्ट हमारा क्या है, ये वाला, और प्लस आई को अलग निकाल लो, रूट थ्री प्लस टू रूट सिक्स, है ना। तो ये देखो मैंने a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख दिया, है ना, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ठीक है। तो i के साथ जो कंबाइन होगा उसको हम b बोल देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस टाइप से आप लिख सकते हो, क्लियर है सबको, ठीक है। इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीजें होती है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना है, जिसको हम बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लिख लो, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास z दिया हुआ है, ठीक है, z मान लो हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्लियर है। जेड हमारा क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, देख लो, मॉडुलस ऑफ जेड को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, मॉड आपको पता है ना, मॉड के अंदर में हम जेड को लिखते हैं, ठीक है, ये होता है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे और उसको आप रूट के अंडर में डाल दोगे, क्लियर है। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, तो मॉड z की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होती है, लेकिन ये कब होती है, जब आपका z इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, ठीक ना। तो हमेशा इसलिए आपको स्टार्टिंग से बोला गया है कि आप हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखो, तभी आप क्या कर सकते हो, इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है, क्या लिख पाएंगे, है ना। देखो जैसे अगर हमें यह बोला जाए कि जैसे हमें दे दिया है, किसी ने क्वेश्चन दिया हुआ है इफ z इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द मॉड z, ठीक है। तो अगर हमें इसका मॉड जेड लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखो ये ऑलरेडी ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट ओवर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्टली हम कितना लिख पाएंगे, रूट ओवर थर्टीन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर थर्टीन हो जाएगी, क्लियर है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक और लेता हूं, जेड इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर आई ले लेता हूं, ठीक है, और इसका मुझे मॉड निकालने के लिए बोल रहा हूं, फाइंड मॉड जेड, तो इसका मॉड जेड हम कैसे लिखेंगे, ये भी देखो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट कितना है, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट फोर का स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर फोर प्लस सिक्सटीन, तो कितना लिख पाओगे, रूट ओवर ट्वेंटी, समझ में आ रहा है। अगर मैं ये ले लूं z इक्वल टू माइनस टू आई, और फिर से हमें बोल रहा है फाइंड मॉड z, है ना, तो कैसे मॉड निकालना होता है ये समझ में आ रहा है सबको क्या, तो मॉड z क्या लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहां पे कितना है, माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू का स्क्वायर, माइनस साइन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसका पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, वो भी माइनस टू ही है ना,
तो इमेजिनरी पार्ट में भी माइनस टू का ही स्क्वायर करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8। ठीक है, बाकी कैलकुलेट आप कर सकते हो। अगर किसी ने मुझे ये दे दिया जेड इक्वल टू 2 + 3i 1 + i या 2 + i, ठीक है, मान लो किसी ने हमें ये दे दिया 2 + 3i × 2 + i और फिर हमसे बोल रहा है फाइंड मॉड जेड, ठीक है, फाइंड मॉड जेड, तो अब बताओ क्या हम डायरेक्टली मॉड जेड लिख पाएंगे? डायरेक्टली हम मॉड जेड नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका जेड लिखा हुआ है वो देखो a + ib के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहला हमारा काम होगा इसको हम a + ib के फॉर्मेट में लिखे। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, बाकी आपको सॉल्व करना आता है। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो 4 + 2i + 6i - 1, मल्टीप्लाई करके देखना ये आता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 + 8i, है ना, ये देखो कितना आ गया 3 + 8i। और अब यही जेड हमारा ये भी है, तो अब हम यहां से मॉड जेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां से डायरेक्टली हम मॉड जेड नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि मॉड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, मॉडुलस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस को भी हम कभी कभी मॉड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो मॉड जेड अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब हम इसका करेंगे, है ना, तो देखो इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट 3 है, तो 3² + इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, तो 9 + 64 कितना हो गया, √73, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है सबको, है ना, तो क्या हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे मॉड हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। इसी में एक और टर्म है जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो अगर हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका हम कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उस चीज को आप समझने का ट्राई करो, है ना, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझो। तो अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ठीक है, जेड अगर हमें a + ib दिया हुआ है ना, तो इसका हम कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, तो देख लो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, है ना, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के ऊपर में ये बार लगाते हैं, ठीक है, इसको हम जेड बार भी बोलते हैं या कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, है ना, तो पढ़ने के लिए इसको जेड बार भी बोल दिया जाता है, यानी तो आप इसको कॉन्जुगेट ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। और जब आप कॉन्जुगेट किसी का कैलकुलेट करोगे तो आपको सिंपली करना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है, प्लस आई में, है ना, तो प्लस आई के साथ हम क्या लगा देंगे, a - i, ठीक है, देखो बस हमने क्या किया, प्लस के साथ माइनस को मैंने लिख दिया, क्लियर है। और फिर से वही चीज, जब आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट करोगे तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले a + ib के फॉर्मेट में लिखना होगा और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, रियल पार्ट के साथ कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज किसके साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे जेड अगर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड कॉन्जुगेट जेड बार, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जेड इक्वल टू 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i का कॉन्जुगेट आप क्या लिखोगे, तो ये मेरा जेड है, मैं इस तरफ में जेड बार लिख रहा हूं, तो 2 + 3i का कॉन्जुगेट आप क्या लिखोगे, 2 - 3i, दिख रहा है क्या, यहां पे i के साथ प्लस का साइन था तो यहां मैंने साइन चेंज कर दिया, क्लियर है। वैसे ही मैं कुछ और एग्जांपल भी ले रहा हूं, -2 + 3i जेड -2 - 3i फोर्थ, है ना, 2 - 3i, ठीक है, ये चार टाइप के मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और चारों टाइप का मैं आपको कॉन्जुगेट निकाल के दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखो सेकेंड वाले का कॉन्जुगेट कितना होगा,
सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आपको देखना है। तो ये देखो प्लस थ्री आई है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस तो पहले से था, इसको हम माइनस आई से चिप्स कर दिया है ना। देखो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट माइनस टू है, तो यहाँ पे भी देखो रियल पार्ट को मैंने कोई चेंज नहीं किया है, चेंज सिर्फ इसमें होगा इमेजिनरी पार्ट में। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस थ्री आई है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस थ्री आई, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस थ्री आई है, तो हम क्या लिखेंगे, टू प्लस थ्री आई, ठीक है। तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, बस इमेजिनरी पार्ट में आपको करना है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ये दे दे जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई इंटू टू प्लस थ्री आई इंटू, या अगर मान लो आपको सिंपली ये दे दे आई दे दे, ठीक है। अगर किसी ने मुझे जेड इक्वल टू सिर्फ टू दे दिया, तो इसका आप कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, हमें पता है कि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका साइन क्या है, प्लस में, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो टू का कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो क्या इसमें कोई चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सेम इसी तरीके से रह जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, उसको आप पहले, है ना, मान लो ये वन प्लस आई है और ये टू प्लस आई दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगर हमें कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोलता है, तो पहले हम इसको ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, देखो वन प्लस आई प्लस टू आई माइनस वन और वन प्लस थ्री आई, ठीक है। और इसका जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो कॉन्जुगेट हम इसका अब कितना लिखेंगे, इस वाले पार्ट से हम कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां से कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा आपका, वन माइनस थ्री आई, क्लियर है सबको, है ना। तो कैसे कॉन्जुगेट और मॉड कैलकुलेट करते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और इसी के साथ में यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके भी आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे पास जेड हमें दिया हुआ है, अगर हमें जेड ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो मॉड जेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड जेड हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, यानी पहला प्रॉपर्टी है कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका आपको मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है ना। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी का दूसरा प्रॉपर्टी डिवीजन वाला भी है ना। तो अगर आपके पास डिवीजन में मॉड लगा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हो, मॉड अलग अलग कैलकुलेट करके भी डिवाइड कर सकते हो, क्लियर है। बस ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर वाला मॉड जो वो जीरो नहीं हो, ठीक है। थर्ड चीज ये ध्यान रखना इसमें कि अगर आपके पास जेड वन प्लस जेड टू मॉड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज कभी भी गलती से हमें नहीं करना है, ठीक है। एडिशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, और फोर्थ में सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, है ना, ये चीज हमें नहीं करना है, क्लियर है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको मॉड निकालने के लिए दिया जाए, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद मॉड निकालोगे। इस तरीके से आप डायरेक्टली इक्वेट करके, है ना, अलग अलग मॉड लगा के सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ कहां पे पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही पॉसिबल है, बाकी इन दोनों में पॉसिबल नहीं होता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेट में देखो, कॉन्जुगेट में अगर आपके पास जेड दिया हुआ है, तो अगर हम यहां पर जेड ए प्लस आई बी ले लेते हैं, ठीक है, फिर से वही चीज, अगर जेड मेरा ए प्लस आई बी है,
तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या लिखोगे, ए माइनस आई बी हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। और यहां पे जब हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं तो इस वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां पे आप चारों जो ऑपरेशन है सब में ये चीज कर सकते हो। अगर आपके पास जेड वन प्लस जेड टू पूरे का कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के भी ऐड कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन में कंप्लीट का अगर कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला गया तो आप अलग अलग निकाल के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में टर्म दिया हो जेड वन जेड टू का, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और डिवीजन में भी अगर आपको दिया रहे जेड वन और जेड टू का, ठीक है, इस तरीके से, तो आप अलग अलग इसको करके भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप चारों, इसमें चारों ऑपरेशन वैलिड है ना, ये सब कुछ आप इसमें कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्लियर है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक और चीज जो आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, एक और चीज जो आपको दिखाई दे रही होगी, देखो अगर आपके पास जेड पता है ना, तो जेड का आप इसी में एक पॉइंट बनाकर लिख लेना, जेड का मॉड निकाल सकते हो, है ना, कॉन्जुगेट का भी मॉड निकाल सकते हो, है ना, और दोनों का मॉड आप निकालोगे तो दोनों मॉड क्या होगा, इक्वल होगा, होगा या नहीं। देखो जेड क्या होता है, ए प्लस आई बी, जेड बार क्या होता है, ए माइनस आई बी, यहां से जेड का मॉड निकालना आपको पता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से जेड बार का मॉड निकालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो वो भी क्या दे देगा, बी स्क्वायर ही दे देगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखो, जेड को आप उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जेड को अगर आप उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है, क्या मिलता है, ये देखो इसका प्रूफ यहां पे मैंने लिख दिया है, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे होगा, मान लेते हैं हमारे पास जेड क्या है, ए प्लस आई बी, तो जेड बार तो हम जेड बार तो निकाल सकते हैं या कॉन्जुगेट तो निकाल सकते हैं, ए माइनस आई बी, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, जेड इंटू जेड बार क्या लिखोगे, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखो मॉड जेड क्या होता है, अगर हमारे पास जेड ये है तो मॉड जेड आप क्या लिखोगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, है ना, तो इसको आप ये लिख सकते हो, है ना, तो ये देखो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर पाएंगे, यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, मॉड जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है, मॉड जेड क्या होता है ना, अगर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लो, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड बार भी क्या होगा, जेड बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, जेड बार भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो मॉड जेड जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। जेड का आप मॉड लोगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट हट जाता है, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, तो उसमें से आई हट जाता है, ठीक है। और यहां से देखो, अगर ये मॉड जेड अगर रियल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और ये रियल नंबर होगा तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। तो यहां से देखो, जेड इंटू जेड बार भी क्या है, इज अ रियल नंबर, है ना, तो ये भी आपका क्या है, रियल नंबर ही है, क्लियर है। तो ये चार पॉइंट आप ध्यान रखना,
ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको मल्टीप्लाई जो हमने डिवीजन वाला पार्ट किया था, ठीक है, एक डिवीजन वाला पार्ट में एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको, है ना। डिवीजन जैसे किया था, अगर कोई बोलता है हमें कि राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है, और हमारे पास यहां पे दिया हुआ है 2 + 3i / 1 + i, है ना, और 2 + i मान लेते हैं, ये है, इसको आप ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - i से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 - i एक्चुअली में क्या है, इसका कॉन्जुगेट होता है ना। तो ये क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है। तो हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके लिख लो, देख लो, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, 2 + 3i / 2 + i, और इसी के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, 2 - i, है ना। और बाकी अब आपको सॉल्व करना आता है, तो ऊपर में सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4 - 2i + 6i + 3, चेक करना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, देखो ये जेड है और ये जेड बार है, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा, 2² + 1², है ना, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। और यहां पे ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो 7 + 4i / 5 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसको मैं अगर इन जनरल फॉर्मेट में लिखू, है ना, अगर हमें कोई इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए देता है, ठीक है, फाइंड, अगर हमें एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, फाइंड द इनवर्स ऑफ जेड, तो जेड का इनवर्स क्या होगा, 1/z, है ना, और इसको हम क्या लिखते हैं, z^-1, तो z^-1 को 1/z भी लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम इसको क्या कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाले कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर है। और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो क्या बन गया हमारा, जेड बार बन गया, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है, देखो फॉर्मूला, मॉड जेड का स्क्वायर, है ना। तो 1/z किसके इक्वल होता है, ये चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी इस सिंबल के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे देता है, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब आप, है ना, यहीं पे हम इसको आज रखते हैं, इसके आगे आप एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, लिख लो कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, 5.1 करना, और एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स भी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट में किसी को कोई डाउट है, और है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट कंप्लीट करो, कल संडे है तो टाइम निकाल के वो करो, और मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट भी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, जो सब क्वेश्चन है ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी इस वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप 7 तक कर चुके हो, 5-6 क्वेश्चन और है, वो भी आप कंप्लीट कर लोगे, और बाकी ये सब वाला पार्ट आप लोग रिवाइज करना, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो बाय।